सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप मैसेज से आया नया मोड़। सुशांत के पिता ने मैसेज पर रिया से सुशांत का पूछा था हाल, नहीं मिला जवाब तो सुशांत की मैनेजर श्रुति को भेजा संदेश। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर को रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पिता हूं तो बात क्यों नहीं की, आखिर क्या बात है। सुशांत के पिता ने रिया को लिखा, फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में मुझे सारी जानकारी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दे। रिया के जवाब नहीं देने पर सुशांत के पिता ने सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को मैसेज भेजा, मैं जानता हूं सुशांत के सारे काम तुम देखती हो, सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं काफी परेशान हूं। श्रुति को मैसेज में सुशांत के पिता ने लिखा, अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आज फिर ईडी पहुंचेंगी। ईडी के दफ्तर कल 10 घंटे की पूछताछ में 15 करोड़ की हेराफेरी में नहीं मिले थे ठोस सबूत। सुशांत की बहन नीतू सिंह का आज प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज कराएंगे अपना बयान। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से जारी है ईडी की पूछताछ, 10 घंटे तक अधिकारियों ने दागे करोड़ों के लेनदेन को लेकर सवाल। ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी दागे सवाल, रिया के पिता इंद्रजीत से भी की पूछताछ। रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से पिता के साथ निकले रिया और शौविक, मीडिया से बचती नजर आई रिया चक्रवर्ती। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच को लेकर आ सकता है फैसला। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई ताजा अर्जी, मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। सीबीआई ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया, सूत्रों के मुताबिक केके सिंह ने मौत के लिए मजबूर करने वाले हालातों की जांच की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के पिता ने अपने बयान में रिया पर ढेरों आरोप लगाए, रिया पर पैसे गायब करने के भी इल्जाम। सुशांत के पिता ने कहा, एक साल से रिया के कंट्रोल में थे सुशांत, दवा के ओवरडोज की जांच की मांग। अमेरिका में पढ़ने वाली लड़की की बुलंदशहर में हादसे में हुई मौत पर उठे सवाल, बुलेट सवार मनचलों से बचने की कोशिश में हादसे का शिकार हुई दीक्षा भाटी। बुलेट सवार युवक बाइक पर चाचा के साथ जा रही सुदीक्षा पर लगातार कमेंट कर रहे थे, इस दौरान हुआ हादसा। युवकों पर स्टंट के भी आरोप, अचानक ब्रेक लगाने पर सुदीक्षा की बाइक टकराकर गिरी। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली सुदीक्षा को HCL ने दी थी 3,80,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे बीजेपी नेता, इसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सीएम योगी ने 24 घंटे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 53,600 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 47,746 लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए ठीक। देश में अब तक 15,83,489 लोग कोरोना के बाद हुए स्वस्थ। देश में इस वक्त 6,39,929 कोरोना के एक्टिव केस। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश में पहाड़ भरभराकर गिरा, सड़कें बंद। बागेश्वर में एक युवक को बहाकर ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह, पुल के पास किया गया रेस्क्यू। टिहरी के घनसारी में भारी बारिश से तबाही, घरों में घुसा मलबा, एक दर्जन से अधिक मवेशी बह गए। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी, सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ मार्ग पर। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा, हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का कोहराम, घंटों इंतजार करते रहे श्रद्धालु। केरल के कोट्टयम में बाढ़ से भारी तबाही, घरों में घुसा सैलाब, गाड़ियां डूबी, ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं लोग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब, घरों में भरा पानी। बिहार में अभी और कहर ढाएगी कुदरत, अगले 3 दिन तक सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी।
राजस्थान के सियासी संकट खत्म, सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस के कॉकपिट में लौटे सचिन पायलट। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार किया सुलह का फॉर्मूला, पायलट को गहलोत के बाद सीएम बनाने का दिया भरोसा। पायलट के साथ राहुल प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी, पूर्व डिप्टी सीएम के शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक, नहीं होगी बदले की कार्रवाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुट होकर काम करने को कहा, न्याय मिलने का दिया भरोसा। कर्नाटक के कोप्पल में एक शख्स ने अपने आलिशान घर में मृत पत्नी के साथ किया गृह प्रवेश, पत्नी की कमी को पूरा करने के लिए हूबहू बनवाया मोम का पुतला। 2017 में कार हादसे में हुई थी। आलिशान घर में गृह प्रवेश के बाद पति श्रीनिवास गुप्ता ने बेटियों के साथ मिलकर मोम से बने पत्नी के पुतले को खूब सजाया, किसी ने सही किए बाल तो किसी ने पहनाया बिछुआ। कानपुर में मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर, ट्रक के उड़े पर खच्चे, गंगापुर इलाके में हुआ हादसा। पंजाब के तरन तारण और फिरोजपुर में एक्साइज विभाग ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध शराब का मिला जखीरा। देश में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली में मंदिरों में दिखी रौनक। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग के बाद हड़कंप, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाए गए राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप की बेटी इवांका ने सुरक्षा एजेंसी को कहा थैंक्स, सुरक्षा बढ़ाई गई। लेबनान में सरकार तक धमाके की आज, प्रधानमंत्री हसन दियाब का कैबिनेट समेत इस्तीफा। साथ ही संदेश में बोले लेबनान के पीएम, देश में बड़ा हो गया है भ्रष्टाचार। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लहराया तिरंगा, 14 अगस्त को एफआईए मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।